नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो आपका जूनियर इंजीनियर की जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई गई थी, तो इसका देखिए इन्होंने जो है फाइनल रिजल्ट आपका जारी कर दिया है। मतलब कि जो भी कैंडिडेट अभी सेलेक्टेड है, आगे का जो प्रोसेस है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए, तो यहाँ पे लिस्ट उनका दिया हुआ है रोल नंबर के साथ में, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल, इसमें जो है दो ब्रांच के लिए निकाला गया था आपका। तो जो भी कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड हैं, तो उनका जो है रोल नंबर दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सेपरेटली दोनों का दिया हुआ है। इसमें जो है आपको सिविल वालों का रोल नंबर इसमें आपको मिल जाएगा। तो इसमें देखिए, जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड है, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं जो भी जोन में आपने अप्लाई किया होगा। जैसे ईस्ट जोन की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड है तो उनका रोल नंबर दिया हुआ है, और इसके साथ में वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल जोन का। तो इसमें जो है आप अपना रोल नंबर से मैच कर सकते हैं, तो आप लोग इसी के थ्रू जान सकते हैं आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। और उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये तो आपका जैसे सिविल वालों का था, इलेक्ट्रिकल वाले भी देख सकते हैं यहीं पे आप लोग। इसमें जो है आपका दिया हुआ है जोन वाइज आपका दिया हुआ है इसमें, तो देखिए इसको भी जब आप लोग ओपन कीजिएगा, तो इसमें जो है आपको रोल नंबर दिख जाएगा जोन वाइज, जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है, तो आप लोग इसमें से मैच अपना कर सकते हैं। और देखिए इसके साथ में यहाँ पे कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है कि अभी देखिए, ये तो आपका जैसे प्रोविजनली सेलेक्टेड किया गया है, अब आगे का जो प्रोसेस है इसमें आपका, तो ये जो है फिर आपका होगा अभी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका भी होना है, और साथ में मेडिकली फिट भी आपको होना होगा। और इसके साथ में जो है आपको एडवाइज़ ये भी किया जा रहा है कि जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपको, तो वो सारे के सारे रेडी कर लेने हैं आपको, और साथ में उसको सेल्फ अटेस्टेड भी आपको करके रखना होगा साथ में आपको। और कौन कौन सा चाहिए, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, जितने भी कैंडिडेट है तो उनको जो है अपना जैसे 6 कॉपी ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म का इन ओरिजिनल में आपका होना चाहिए, और 2 कॉपी आपका बायोडाटा फॉर्म का होना चाहिए, जो कि अच्छे तरीके से कैंडिडेट के द्वारा फिल किया हुआ होना चाहिए। इसके साथ में ओबीसी, एसटीएससी, जो भी मतलब जो जिन्होंने जिस कैटेगरी से भरा होगा, तो उसका सर्टिफिकेट इनको चाहिए ही। तो यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल आपका ये पूरा दिया हुआ है। और एक यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट आपका ये भी करके दिया हुआ है कि जितने भी कैंडिडेट है, तो उनको जो है अपना प्रिंटआउट भी ले लेना होगा यहाँ पे, रिलेवेंट जो भी परफॉर्म आपका है, और इसे कंप्लीट कर देना है आपको, और फिर इसे जो आपको सेंड कर देना है, जो भी कॉपीज आपका ऊपर मेंशन किया गया है इन सभी को, तो आपको जो है इस एड्रेस पर आपको भेज देना है। यहाँ पे देखिए आपका पूरा दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है ये जो एड्रेस है, और ये जो है 10 दिन के अंदर में आपका जो है ये पहुंच जाना चाहिए। जैसे रिजल्ट पब्लिश किया गया है आज आपका, तो 10 डेज के अंदर में जो है आपका ये जो भी चीज़ दिया हुआ है, तो ये जो है आपको इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। तो ये आप लोग देख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। और इसके साथ में आपको ये भी मेंशन करना है जूनियर इंजीनियर का कि इनवेलप के ऊपर में, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। और देखिए एड्रेस आपका यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका दिया हुआ है, तो आप जो है इन सभी एड्रेस पे आप यहाँ पे भेज देना। और इसके साथ साथ में कोई भी क्वेरी आपका रहता है यहाँ पे, जैसे फॉर्मेलिटी या फिर लॉन्ग प्रोफेशनलिटी टेस्ट आपका क्या होता है, ये सारे चीज़ों के लिए जो है आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं रीजनल ऑफिस के लिए, जहाँ पे आपने अप्लाई किया होगा। तो ये सारा कुछ दिया हुआ है यहाँ पर आपका। तो और भी देखिए कोई डाउट रहता है आपका, तो आप लोग कमेंट करना, हम इसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे।